कहते हैं कनाडा में जहां जहां मिलता है पान वहां वहां रहती है इंडियंस की जान। तो अगर आप आ रहे हैं टोरंटो और आपको करना है अपना मुंह मीठा तो आए जेरार्ड स्ट्रीट पे, खाएं बलदेव का पान। सर कैसा लिखा है ये? बिल्कुल बहुत बढ़िया है। ओ, इसके $100 हो गए, मैंने अभी अभी लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल मिल जाए। तो आज मैं खड़ा हूँ राज जी के साथ जो कि कनाडा की सबसे पॉपुलर सबसे बड़ी पान शॉप के ओनर हैं, बलदेव पान एंड कोल्ड ड्रिंक शॉप। राज जी आपको वर्ल्ड के नंबर वन यूट्यूब शो में आके कैसा लग रहा है? सुना जाता है कि हमें ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बट चाइना रशिया प्लूटो मार्स मून हर जगह देखा जाता है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है बस सुन के और मजा आ रहा है। मैंने आपका शो का नाम कभी सुना तो नहीं है मगर। तो राज जी आप मेरे को ये बताएं, आप NRIs का कब से मुंह मीठा करवा रहे हैं? बेसिकली वी बीन एस्टैब्लिश्ड हियर इन कनाडा फॉर मिड 80s एंड सिंस 80s वी आर डूइंग, थैंक गॉड वी हैव सम स्पेशलाइजिंग थिंग्स एंड माय कस्टमर they always welcoming me and I'm happy with my customer and my work and my whatever I'm doing it I'm very happy। पुराने ग्रंथों में भी लिखा गया है कि राज जी आपके यहाँ पे हर बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार ने आके आपके हाथ से पान का सेवन किया है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? Oh, so many stars come in my store, Kumar Sanu, Sonu Nigam, हरिहरन। क्या आप शाहरुख खान को जानते हैं? यस शाहरुख खान, आई एम फैन ऑफ शाहरुख खान आल्सो। मैंने एक्टिंग सीखनी थोड़ी स्टार्ट करी है, आप मेरा इन लगा देंगे? अरे बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। राज सर इज माय न्यू बेस्ट फ्रेंड। आपका शुभ नाम? चेतन। अमित। चेतन एंड अमित, हम यहाँ पे लाइव टेस्टिमोनियल कर रहे हैं इसके, हम $500 लेंगे राज जी से। अभी अभी आपने राज जी के हाथों से पान खाया, मैं अंदर देख रहा था आपको, कुछ इनके पान के बारे में बताएंगे? वेल हनी पान, मीठा पान, वन ऑफ द टॉप नॉच। मैं भी टोरंटो में लैंड किया था लाइक 3 दिन एंड द फर्स्ट शॉप आई केम टू वाज दिस गाय, सो इट्स प्रीटी गुड, लाइक डिफरेंट एक्सपीरियंस, ग्रेट टेस्ट एंड ही इज वेरी वेल अकोमोडेटिंग, ग्रेट कस्टमर सर्विस, दैट्स ऑसम। ये आपका 3 दिन में एक्सेंट एकदम कैनेडियन हो गया, क्या ये पान की वजह से ही हुआ है? Could be. ऐसा बोलते हैं आपका एक्सेंट इंडियन हो गया है। बिल्कुल ओके चलो। अमित आप बताएं आपके पान का एक्सपीरियंस कैसा रहा? काफ़ी अच्छा था, मैंने पहली बार यहाँ से ट्राई करा है, पान पहले भी खा रखा है पर यार मैंने अभी हनी पान खाया था, डिफरेंट है और टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है। तो आप एक बार इनको थैंक यू बोलना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पे पान शौकीन एक हैं, इनका नाम श्रिया है, हम आ चुके हैं यहाँ पे, हमारी फ्रेंड है। आपने कौन कौन से डिफरेंट टाइप के पान खाए हैं? चॉकलेट, बटर स्कॉच और कौन सा था, स्ट्रॉबेरी, फेरेरो रोशर, बस। आपने कभी आग पान खाया है? हाँ हाँ हाँ। आग पान में क्या होता है? फायर पान, उसमें आग होती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहला पान किसने बनाया था? किसी पान वाले ने। हमारे साथ हैं महेश। महेश जी यहाँ पे 20 साल से काम कर रहे हैं। महेश सर आप मेरे को ये बताएं कि आपका फेवरेट पान कौन सा? पहले तो रेगुलर बनाते हैं, फिर नया पान शुरू किया हनी, फिर उसके बाद काजू द्राक्ष फ्रूट वाला पान है वो ज्यादा फेमस भी है। सो दीपक विद मोस्टली मोटो व्लॉग्स, आपको पान खाना बहुत पसंद है, चौथा पान खा रहे हैं अभी दुकान पे, जब से हम आए हैं पानी खाए जा रहे हैं, पान खाने का शौक रखते हैं? हाँ जी। अब हम आ गए हैं आपकी दुकान के अंदर जी, और अब आप हमें सिखाएंगे कुछ पान बनाना। बिल्कुल सिखाएंगे। मैं जब छोटा था, जब मैं पान खाता था, मैं एक्चुअली पान ही बनाना चाहता था लेकिन मेरे उन सारे विचारों पे पान पान हो गया, तो आज वो घड़ी आ गई है, मैं दोबारा पान बनाना सीखूंगा। आपके यहाँ पे राज सर सबसे ज्यादा पॉपुलर पान कौन सा है? ऐसे तो सारे पॉपुलर, मगर माई सेल्फ आई लाइक हनी पान। शुरुआत करते हैं हनी पान से, बहुत बढ़िया होता है हनी पान। हनी पान आप भी खाओगे तो मेरे को लगता है कि आप भी हनी सिंह की तरह बोलना शुरू कर दोगे। तो शुरू करते हैं, आज आप हमें पान बनाना सिखाएंगे और हमारे यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स आए हैं, सबको हम पान खिलाएंगे और उनसे पूछेंगे कैसा लगा पान। बिल्कुल बिल्कुल। रेडियो भाइयों
सो जब भी आए टोरंटो कनाडा, आए जिराड स्ट्रीट पे, खाएं बलदेव का पान, अब जाएं बजा दे सैबी वीजी शो का लाल वाला सब्सक्राइब बटन। उखई के पान बलदेव वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल, सीधी कर दे सब की चाल, ओ छोरा टोरंटो वाला। सो जब भी कनाडा आए, गलत हो गया, सॉरी, रिपीट।